गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों ने आज सुबह का 9:15 का लाइव सेशन ज्वाइन किया होगा। और आज फिर हमेशा की तरह ही ऑप्शन चेन एनालिसिस को देखते हुए हमने फिर से एक ट्रेड लिया, फिर से बाजार के एनालिसिस को करने की कोशिश की, हमने फिर से बाजार की स्टडी करने की कोशिश की। और चलिए सबसे पहले मैं वीडियो में आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको लेके चलता हूँ आज के लाइव सेशन की 9:28 पे, जहाँ पे जब आपको मालूम है कि 9:25 के बाद ही मैं ऑप्शन चेन का डेटा देखना स्टार्ट करता हूँ, वहाँ पे मैंने आपको क्या कहा था जब बाजार 15,972 के आसपास चलता। प्लीज ध्यान से देखिएगा, जस्ट वन मिनट, उसके बाद हम सेशन में आगे बढ़ेंगे। तो दिस इज द वीडियो फॉर यू एंड यू कैन चेक 17 May 2022 9:28 राइट एंड और यहाँ पे स्क्रीन पे भी आप टाइम देख सकते हैं, दिस इज क्लियरली विजिबल 9:28। दिस वॉज अ लाइव टाइम लाइव सेशन जो हम डेली करते हैं, डेली लाइव होता है, मतलब दिस वॉज अ लाइव सेशन और आप 9:15 को ज्वाइन कर सकते हैं। लुक एट वट आई टोल्ड यू। अगर हम इंट्राडे प्रेशर की बात करें तो यस, 900 के नीचे एक बार बाजार अगर मिले हमें तो हम बाय करने की कोशिश कर सकते हैं। बिल्टअप को देखते रहेंगे, बिल्टअप कैसा बन रहा है, बिल्टअप की तैयारी है 16,200 की, मैं बार बार बोल रहा हूँ तैयारी है, कंफर्मेशन नहीं है। दोस्तों लाइव सेशन को पूरा जाके देख लीजिएगा जहाँ हमने बहुत ही क्लियरली कहा था कि हाँ तैयारी है, कंफर्मेशन नहीं थी, तैयारी है। मैंने बार बार कहा कि तैयारी है, कंफर्मेशन नहीं है। कंफर्मेशन के लिए वी हैव टू वॉच दी ऑप्शन चेन क्लियरली। बट सुबह सुबह ही बहुत ही क्लियर फर्स्ट इंडिकेशन मुझे मिल चुका था। ऐसा क्या है वो इंडिकेशन जो मैं देख लेता हूँ और जो मुझे लगता है कि बाजार यहाँ तक आज इंट्राडे में जाएगा ही जाएगा, और अगर ऐसे प्राइसेस मिल जाए तो हमें ये टारगेट मिल जाएंगे। इतनी एक्यूरेसी कैसे आ जाती है? दोस्तों अगर आप भी सीखना चाहते हैं तो मुंबई क्लास के लिए सिर्फ 12 दिन बचे हैं। मुंबई के अगर आप पास पास हैं, मुंबई में है, महाराष्ट्र में है, पुणे में है या अहमदाबाद में, अगर आप ट्रैवल कर सकते हैं क्योंकि अहमदाबाद की पुणे क्लासेस में अभी टाइम है, तो अगर आप मुंबई यू कैन ट्रैवल, ज्वाइन माई ऑप्शन चेन वन डे मास्टर क्लास। आई प्रॉमिस यू, जैसे मैं बाजार को देखता हूँ बिल्कुल ऐसे ही आपको सिखाऊंगा और आपको मजा आएगा बाजार को समझने में और बाजार में डरना बिल्कुल बंद हो जाएगा। चलिए स्क्रीन पर चल के देखते हैं और ये 5 मिनट का चार्ट है हमारा और आज का बाजार 17 मई का बाजार रहा। आज फिर गैप से खुला बाजार और हम क्लियर थे कि 16,000 के ऊपर एक बार बाजार निकल जाए उसके बाद में हमें बहुत अच्छे प्राइसेस मिलने वाले हैं और कम से कम 16,200 की तैयारी है। इसके पीछे दो वजह थी, एक ऑप्शन चेन थी और एक हमारा स्टॉक्स पाठशाला का कैलकुलेटर। अगर हम इंट्राडे ट्रेडिंग करें या स्विंग ट्रेडिंग करें, अगर हम ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर से कुछ कन्फर्मेशन ले लेते हैं तो हमारी कन्फर्मेशन और भी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। देखिए क्या हमें कैलकुलेटर कह रहा था, 16,000 के ऊपर मैंने आपको क्लियर लिखा था 16,000 के ऊपर बाजार चलेगा तो 16,130 16,256 ये मेरे प्राइसेस थे आज के लिए। ये स्विंग के प्राइसेस हैं और ये आप क्लियरली देख सकते हैं, दिस इज पोजिशनल ऑब्लिक स्विंग टारगेट। अब आप कहेंगे ये कैलकुलेटर क्या है, जो लोग नए हैं उनके लिए बता दूं दिस इज अलादीन का चिराग जिसके बेसिस पर आप ट्रेड कर सकते हैं और ये सिर्फ स्टूडेंट्स को मिलता है जो क्लासेस को ज्वाइन करते हैं या फिर मेरे पास आता है। और आज का बाजार कहाँ बंद हुआ है, 282 के हाई पे मार्केट क्लोज हुआ है, 256 को भी बाजार ने क्रॉस किया है। दोस्तों ऐसा क्या है कि बाजार सिर्फ वैसे ही चलता है जैसा हम स्टडी करते हैं, ये कोई प्राउड फील करने वाली बात नहीं है, दिस इज एक्चुअली मास्टरिंग द ऑप्शन चेन। जब हम डेटा को देखते हैं, डेटा को समझ जाते हैं तो हमें बहुत ही क्लियर इंडिकेशंस मिलती है। अब बाजार को देखने की कोशिश करें तो बाजार में एक अच्छा खासा स्ट्रांग बिल्डअप देखने को मिला है, बहुत ही बढ़िया। और कहां से, कौन से लेवल से, 15,750 के लेवल से, वही लेवल है जहां आपको कहता कि बाजार एक बॉटम बनेगा, 15,750 और 17,500 के आसपास में बॉटम बनेगा, कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है। वही हमारा एक मार्केट मूड इंडेक्स को भी हम आजकल रेफर करते हैं, आपको बताया था मैंने, जो मैं रेफर करता हूं पर बहुत से लोगों को ये चीज नहीं पता थी, मैंने आपको बताने स्टार्ट की। आप गूगल पर जाके इसके लिंक को क्लिक कर सकते हैं, टिकट टेप का है, बहुत ही बढ़िया है। मार्केट जब भी एक्सट्रीम फियर जोन में हो आपको पोजीशंस को फ्रेश बनाना स्टार्ट कर देना चाहिए। आपको वहाँ पे अपनी इक्विटी, अपने फ्यूचर्स, जो भी आप लॉन्ग करना चाहते हैं लॉन्ग करना स्टार्ट कर सकते हैं। जब बाजार एक्सट्रीम ग्रीड में हो यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, बाजार से एक तरफ रहना चाहिए। यह बहुत ही अच्छा रेफरेंस पॉइंट है और ऑप्शन चेन तो सुपर्ब है, दैट इज द लाइफ ब्लड ऑफ एवरी ट्रेडिंग। इफ यू आर ट्रेडिंग एनीथिंग फ्यूचर्स एंड ऑप्शन, कॉल कीजिए, पुट कीजिए। देखिए अब यहाँ पे अगर आपने एक अच्छा सा ट्रेड किया होता 16,000 का कंफर्मेशन होने के बाद में, अगर आपने एट द मनी 16,000 की कॉल को भी लिया होता, देखिए इतने सारे स्टॉक्स हमने आज डिस्कस किए थे, कितने सारे स्टॉक्स हमने डिस्कस किए जिसमें मतलब मजा ही आ गया। यहाँ पे देखिए अगर हम बात करते 16,000 की कॉल की, अगर बात करते आज 17 मई 19 मई की, अगर हमने कॉल ली होती कितने बजे, हमने 9:28 का आपको रेफरेंस दिया है, 9:28 पे ही चलते हैं। एग्जैक्टली क्या प्राइस था 9:28, चलिए देखते हैं। ये 9:28 के आसपास हम आ जाते हैं 16 मई 17 मई 9:28, ये देखिए 9:30 की कैंडल पकड़ते हैं। यहाँ पे 110 रुपये की आपको 16,000 की एट द मनी कॉल मिल रही थी, 16,000 रुपये की। पूरी कन्फर्मेशन आने के बाद 16,000 के ऊपर ब्रेकआउट हुआ 10:15 पे, उसके बाद बाजार रुका नहीं है। 113 रुपये का इस टाइम प्राइस चला था, 123 रुपये का हाई लगा। अगर आप हाई पे भी पकड़ते कन्फर्मेशन के बाद में, उसके बाद भी इस कॉल ने जो हाई लगाया है वो 300 रुपीज़ का, तीन गुना पैसा हुआ,
तीन गुना, 100 का माल 300 कहाँ होता है, सिर्फ ऑप्शंस में। सिंगल साइड बाइंग करने, नेकेड ऑप्शंस बाइंग करेंगे तो पैसा आएगा ही आएगा, बट कौन सी करनी है, क्यों करनी है, कब करनी है, ये सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन चेंज बता सकती है। दुनिया का कोई भी इंडिकेटर, कोई प्राइस एक्शन, कुछ भी नहीं बता सकता आपको, कोई स्ट्रेटेजी नहीं बता सकती क्या परचेज करना है, क्यों परचेज करना है, कौन सी ऑप्शन परचेज करनी है। ये अगर आप करना चाहते हैं तो आपको ऑप्शन चेन को स्टडी करना होगा, तभी आप आगे चल सकते हैं। आज का बिल्डअप बहुत स्ट्रांग है, 16,000 की तरफ बाजार ने कदम बढ़ाए, बहुत ही बढ़िया कदम बढ़ाया, उसके ऊपर चला बाजार और जो साथ मिला इस बाजार को, आज पूरा ओवरऑल शानदार साथ मिला। देखिए बैंक 2% प्लस हो गए, रियलिटी 2% प्लस हो गए, ऑटो 2.5% के आसपास, मेटल 7% चले हैं। मैंने आपको मॉर्निंग में एक हिंट दी थी कि जब मेटल चल रहे होते हैं तो आपका ऑटो, रियलिटी, रियल एस्टेट ये चलना ही होता है, जबकि ये सुबह 1% के आसपास थे, सब देखिए 3-3% के आसपास पूरा सेगमेंट चल गया, कमोडिटीज 4% के आसपास में। तो ये बाजार को एनालिसिस करेंगे तो बाजार में पैसा आना ही आना है, बाजार से डरना बंद कीजिए, बस सही समय पर ट्रेड लीजिए, सही परफेक्शन से ट्रेड लीजिए, पैसा आना ही आना है। ये नहीं है कि कुछ भी लेना है तो आपको काम करना है, कुछ भी करने के लिए काम करने की जरूरत नहीं है, सही सटीक एनालिसिस आपको ट्रेड देगा। यहाँ पे बाजार में अब आगे के लेवल आपको क्या दिखाई देते हैं, आगे के लेवल बहुत ही क्लियर है गाइस। अगर आज का बाजार को हम रेफर करें, 16,280 के आसपास की क्लोजिंग को पकड़ के रखें तो 16,384, देखिए ये हमारा एक स्विंग का लेवल रहेगा, 16,384 के ऊपर निकलेगा तो अगले भाव आने वाले हैं। तो इसलिए अब ये प्रेडिक्शन करना कि कल इसके ऊपर जाएगा ही जाएगा बिल्कुल बेवकूफ़ी होगी, ये बेवकूफ़ी हम नहीं करना चाहते। हम डेली ऑप्शन चेन को डेटा देखने वाले हैं, क्योंकि बाजार में आजकल गैप अप और गैप डाउन से ही बाजार खुलता है, आप देख ही रहे हैं। तो अगर इन सभी चीज़ों को, इन अटकलों को हमें पार पाना है, इन अनसर्टेनिटीज को अगर हमें जीतना है, तो हमें ऑप्शन चेन की आदत डालनी होगी। आप कहेंगे बार बार ऑप्शन चेन क्यों कह रहा है भाई, क्योंकि ऑप्शन चेन के अलावा मुझे कुछ दिखता नहीं है, ना ही मुझे कुछ समझ में आता है, मैं ऑप्शन चेन ही जीता हूँ और ऑप्शन चेन से ही ट्रेड लेता हूँ, और अगर ट्रेडिंग करनी है तो निफ्टी के अलावा मैं कुछ भी नहीं देखता। आपकी पर्सनल लाइफ में एक ही वाइफ अच्छी होती है, एक ही हस्बैंड अच्छा होता है, उसके सारे टेंट्रम, सारे नखरे, सारी आदतें अच्छी बुरी सब पता होती है। तो अगर आप एक स्टॉक, एक इंडेक्स से अगर प्यार करेंगे, उसी से शादी कर लेंगे, उसी से ट्रेडिंग करने की कोशिश करेंगे, तो आई कैन प्रॉमिस यू आपको सारी चाल पता होंगी, आप ज़्यादा अटकेंगे भी नहीं, सिचुएशंस कभी कभी आपके अगेंस्ट हो सकती हैं, बट आप उनको हैंडल करना सीख जाएंगे। रियल लाइफ में और स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में ज़्यादा फर्क नहीं है, फर्क सिर्फ इतना सा है कि हम रियल लाइफ में तो ये भरोसा करते हैं कि चीज़ें वापस सही ठीक हो जाएंगी, पर स्टॉक मार्केट में हमें भरोसा नहीं करते कि चीज़ें वापस ठीक होंगी। ये भरोसा कीजिए, डर को निकालिए, मजे कीजिए। कल मिलते हैं सुबह 9:15 पे, आप भी आइए, अपने दोस्तों को भी लेकर आइए, देखते हैं मजा कैसे छूटता है हमारे हाथ से। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।